हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 12th चैप्टर मजा आया होगा। सो चलिए थोड़ी चैप्टर शेयर करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जंगयुन कहता है कि आज सुबह का शेड्यूल पैक्ड है। ये सुन के रिंदन कहता है हाँ ओ नहीं, आज सुबह में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। ये सुन के जंगयुन बेड पर लेट जाता है और कहता है तो ठीक है, हम फिर दोपहर में वर्क पर जाएंगे, अभी के लिए थोड़ा सो जाते हैं। ये सुन के लिनियन कहता है माफ़ करना पर अभी। तभी जंगयुन बेड पे पैट करते हुए कहता है इधर आ जाओ मेरे पास और सो जाओ। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए थोड़ी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में जंगयुन कहता है जल्दी जल्दी आओ और लेट जाओ। ये सब सुन के लिनियन अपने मन में सोचता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी साइड में लेट जाऊँ, वो भी अचानक से। तुम इसी बिस्तर में उस पास्टर के साथ कल सो रहे थे और अभी मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे साइड में सो जाऊँ। तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तुम मुझसे खेल रहे हो, इससे मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। पर अगर मैंने अभी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो मुझे पता है मैं बाद में रिग्रेट ही करूँगा। तभी सडनली जंगयुन कहता है सेक्रेटरी ली। ये सुन के लिनियन थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर जंगयुन की तरफ देखते हुए कहता है यस डायरेक्टर। जंगयुन कहता है तुम जेलस नहीं हो है ना? ऐसा नहीं है पक्का राइट? ये सुन के लिनियन कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं बस कल रात अच्छे से सोया नहीं था। जंगयुन कहता है अच्छा पर क्यों, क्या कुछ हुआ था? ये सुन के लिनियन सोचता है तुम, ये सब तुम्हारी वजह से है पर बस मैं कह नहीं सकता। लिनियन कहता है मेरा भाई वो किसी मुसीबत में फंस गया था, उसके बॉडी में बहुत सारी इंजरीज भी थी, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं हॉस्पिटल में सुबह तक रुका था इसलिए मैं सो नहीं पाया। जैसे कि तुम्हें पता है हमारी फैमिली में सिर्फ हम दो नहीं हैं। तभी लिनियन सोचता है ये ट्रू स्टोरी है पर ये सब कुछ सालों पहले हुआ था, मुझे नहीं पता था ये मुझे आज काम आएगा। तभी ये सब सुन के जंगयुन पूछता है क्या उसने कुछ डेंजरस किया था? लिनियन कहता है हाँ पर उसने मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं बताए। जंगयुन कहता है कितनी सरप्राइजिंग बात है ना? लिनियन कहता है हाँ कल रात मैं अपने ब्रदर की वजह से बहुत ज़्यादा वरीड था। तभी ये सब सुन के जंगयुन हंसते हुए कहता है हाँ ये रिलीफ की बात है, मैंने तो कुछ सेकेंड के लिए सोच लिया था कि तुम मुझे पसंद करते हो और अभी जेलस हो गए हो, मैं अभी ओल्ड हो गया हूँ वो सब इमोशनल फीलिंग्स के लिए राइट? लिनियन कहता है हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं बस थोड़ा थक गया था। फिर जंगयुन बिस्तर पर लेटते हुए कहता है थैंक गुडनेस, हम दोनों को सेम ही चीज़ चाहिए, अब जल्दी से आओ और लेट जाओ। लिनियन कहता है तुम्हें पता है मैं लेटते ही सो जाऊँगा। ये सुन के जंगयुन कहता है तो सो जाओ, वैसे भी बॉस के बिना ऑफिस में सेक्रेटरी का कोई काम नहीं होता। ये सुनकर लिनियन जंगयुन को घूर कर देखते हुए सोचता है हाँ हाँ ज़रूर, काश तुम्हें पता होता कि मुझे कितना काम होता है। तभी जंगयुन लिनियन का हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी लिनियन जंगयुन के पास लेट जाता है। जंगयुन कहता है अब बातें बातें बंद करो और सो जाओ। तभी लिनियन सोचता है ये सब क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी जंगयुन लिनियन का चश्मा निकालता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर धीरे धीरे लिनियन के नेक पर किस करता है। लिनियन तभी ब्लश कर रहा होता है। लिनियन तभी कहता है डायरेक्टर वहाँ नहीं आह। तभी लिनियन सोचता है मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ पर मैं नहीं कह सकता। तभी लिनियन कहता है डायरेक्टर ऐसा लगता है मैं सोने वाला हूँ। जंगयुन लिनियन की चेक पर किस करते हुए कहता है तो सो जाओ, चिंता मत करो मैं तुम्हें उठा दूँगा। लिनियन तभी ब्लश करते हुए सोचता है हाँ ये सब हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं हमेशा इसकी वजह से हर्ट होता हूँ और फिर हमेशा इसकी वजह से हील हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे ज़्यादा ही पसंद कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता
कि मैं कब तक इस रिलेशनशिप को बचा के रख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भी मुझे पसंद करे, पर ऐसा क्यों नहीं होता। तभी सैनली जंगयन कहता है सेक्रेटरी ली, और फिर लिंगयन को अपनी तरफ पुल करता है, और फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सो रहे होते हैं। लिंगयन सोचता है मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इसे पसंद करना बंद कर सकता हूँ, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो या मेरा दिल तोड़ दो, पर मैं तुम्हें प्यार करता ही रहूँगा। ये सब सोचते हुए लिंगयन सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद लिंगयन की धीरे धीरे आँख खुलती है। लिंगयन सोचता है हाँ, ये मुझे मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है, आह आह आह, ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे फिलअप कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आह। तभी लिंगयन की आँख खुल जाती है। जंगयन को ऐसे देखकर लिंगयन कहता है डायरेक्टर ये सब। जंगयन तभी ब्लश करते हुए हंसता है, और फिर जोर से अपना वो पद लिंगयन के बट के अंदर डालता है। लिंगयन कहता है आह डायरेक्टर। जंगयन तभी कहता है तुम्हें इतना लूज करने के बाद फिर भी तुम इतना टाइट क्यों हो। हाँ सेकेंडरी ली, लिंगयन कहता है डायरेक्टर, और फिर दोनों किस करते और एक दूसरे की टंग सक कर रहे होते। तभी लिंगयन सोचता है मुझे मुझे पहले तो ये सब एक ड्रीम लगा, पर जब मैंने वो मार्क देखा, क्यों क्यों वो मार्क है क्यों। ये सब सोचते हुए लिंगयन रोने लगता है। तभी लिंगयन सोचता है हाँ मैं रो रहा हूँ, पर क्यों। तभी जंगयन लिंगयन की आंखों पर किस करता है। तभी लिंगयन सोचता है वो बहुत स्वीट था, ऐसा लग रहा था कि हम दोनों लवर हैं। फिर दोनों एक दूसरे को फिर से किस कर लेते हैं, लिंगयन सोचता है, और इसी वजह से मेरी आंखों से आंसू बिना परमिशन के बहते रहे। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।